भारत में मॉनसून धीरे धीरे हर राज्य में पहुंच रहा है और अब बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गुरुवार को बिजली गिरने से 129 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से भी ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए कहा है। बिहार में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से जहां 97 लोग तो वहीं उत्तर प्रदेश में 32 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को पूरी तत्परता से प्रभावितों को राहत और मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वो प्रभावित परिवारों के साथ हैं। पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि मृतकों के आश्रितों को आज ही उनके घर जाकर 4,00,000 रुपए का चेक अनुग्रह अनुदान के रूप में दें। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक यूपी बिहार में बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। न्यूज़ डेस्क।